चाइना ने अमेरिका को ओपन चैलेंज किया और अमेरिका ने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया। इफ यू प्ले विद फायर यू विल बर्न। चाइना के हाईवेज पर टैंक्स घूम रहे हैं, ताइवान की ओर बढ़ रहे हैं, फाइटर जेट्स हर रोज ताइवान की एयर स्पेस में घुस रहे हैं, ऐसे समय जब अमेरिका के सीनियर लीडर्स ताइवान विजिट कर रहे हैं। सो इज दिस वर्ल्ड वॉर 3? China says it will fight to the very end to prevent Taiwan from being declared independent. Any foreign interference is doomed to failure. China aur Taiwan mein conflict kyun hai? Isme US ka kya interest hai? Aur China ko Taiwan ko control karne se kya farak padta hai? Aaj is video mein hum China aur Taiwan ke beech ka conflict samjhenge, lekin ek aasan bhasha mein. I know ki aapka time valuable hai, isiliye ye hai sare chapters. Lekin video kafi interesting hai to please ise end tak dekhiye aur agar aapko is video se value milti hai to ise apne doston ke sath share kijiye. Chapter 1, चाइना की असली स्टोरी। जब हम चाइना की बात करते हैं तो इस देश का मैप आंखों के सामने आता है। ये है चाइना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। बट यू विल बी सरप्राइज्ड, दुनिया में एक और ऐसा देश है जो खुद को असली चाइना कहता है और वो है ताइवान। क्योंकि चाइना की एक नहीं दो दो सरकारें हैं। कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। इतिहास देखा जाए तो इस छोटे से आइलैंड को बहुत अलग अलग पार्टीज ने कंट्रोल किया। 17th सेंचुरी में डच लोगों ने, फिर कुछ समय बाद चाइना की चिंग डायनेस्टी ने, फिर जापान ने ताइवान को कंट्रोल किया। लेकिन रीसेंट समय में 1895 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक ताइवान जापान के कंट्रोल में था। आज भी ताइवान के कल्चर में जापानीज इन्फ्लुएंस। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 200,000 ताइवान के सोल्जर्स जापान के साइड से लड़े थे। 1945 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल गई और एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई। एक साइड थी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और दूसरे साइड थी कम्युनिस्ट USSR। जहां दुनिया का फोकस USSR पर था, चाइना में अंदर से कम्युनिस्ट फोर्सेस माओ की लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग बन रही थी। तब चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार। 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हो गई जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चाइना की पुरानी गवर्नमेंट चाइना छोड़कर ताइवान शिफ्ट हो गई। आप ट्विटर पर ताइवान की किसी भी ऑफिशियल अकाउंट को उठाकर देखिए, वहां एंड में ROC लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि वो ताइवान के साथ साथ ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1928 से 1949 तक चाइना का फ्लैग वही फ्लैग था जो आज ताइवान यूज करता है। ये फ्लैग जो आप देखते हैं वो चाइना पर CCP के कंट्रोल को सिग्निफाई करता है। ये है कहानी दो चाइना से। चैप्टर 2, कॉन्फ्लिक्ट का दी एंड। टेक्निकली स्पीकिंग PRC और ROC ने कभी भी पीस अग्रीमेंट साइन किया है ही नहीं, यानी इन दो देशों के बीच वॉर कभी खत्म ही नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व हुआ ही नहीं। इसीलिए दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं। ताइवान मानता है कि चाइना की असली गवर्नमेंट ताइवान में, जिसका हक सिर्फ इस छोटे आइलैंड पर नहीं पूरे चाइना पर है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इलीगली चाइना को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड चाइना यानी PRC एक वन चाइना पॉलिसी अपनाता। PRC कहता है कि ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। अगर ये प्रॉब्लम बातों से सॉल्व नहीं हुआ, डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं हुआ, तो चाइना ताइवान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। उनके लिए ताइवान उनका इंटरनल मैटर। सो इज ताइवान अ सेपरेट कंट्री और अ पार्ट ऑफ चाइना? इट डिपेंड्स। ताइवान यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 15 देश है जो ताइवान को चाइना से अलग एक सेपरेट देश मानते हैं। मोस्टली ये सिर्फ छोटे छोटे देश है। इवन अमेरिका ऑफिशियली ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता, लेकिन ताइवान एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वेयरएज चाइना नहीं। तो अमेरिका ताइवान का एक अनऑफिशियल एलाय बना हुआ है। US के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। चैप्टर 3, ताइवान और यूक्रेन की सिचुएशन। कोल्ड वॉर के दौरान ताइवान वेस्ट का एक इम्पोर्टेंट एलाय था, लेकिन यूक्रेन भी तो दोस्त था। यूक्रेन का क्या हुआ? जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन यही थी कि वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करेगा, लेकिन किसी भी वेस्टर्न देश ने इस वॉर में एक्टिवली पार्ट नहीं लिया। रीजंस कई सारे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर US और रशिया एक दूसरे के साथ वॉर शुरू करते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बैड न्यूज होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा World War III। जब दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से टकराते हैं तो इसका एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि वॉर कहां रुकेगी। यूक्रेन और रशिया की सिचुएशन ताइवान और चाइना की सिचुएशन से काफी मेल खाती। रशिया की तरह ही चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर है। यूक्रेन रशिया के मुकाबले एक छोटा देश है और ताइवान चाइना के मुकाबले एक छोटा देश। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स कई सालों से चले आ रहे हैं। हाँ, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जरूर, रशिया यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, उनके बॉर्डर्स लैंड पर ही हैं, जहां ताइवान और चाइना के बीच ताइवान स्ट्रेट आती है। ये 130 किलोमीटर चौड़ी है, यानी अगर चाइना को ताइवान पर अटैक करना है तो उसके लिए बैटलशिप्स लगेंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, जो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आज वेस्ट मानता है कि वेस्ट ताइवान को प्रोटेक्ट कर पाएगा, लेकिन क्यों? डेमोक्रेसी का रखवाला होने के अलावा क्या कोई इकोनॉमिक रीजंस भी हैं? क्या अमेरिका के कुछ हिडन इंटरेस्ट हैं? बेशक। चैप्टर 4,
मनी इज पावर। चाइना की पूरी इकोनॉमी दो चीजों पर चलती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। चाइना दुनिया की फैक्ट्री, आपके घर में ही देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा चीजें चाइनीज होंगी। चाइना इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करता है कि उनके ही दम पर चाइना 21वीं सदी की सुपर पावर बन सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो चाइना का मैप देखने पर साफ साफ पता चलता है। चाइना को एक्सपोर्ट्स और एफिशिएंटली करने के लिए पैसिफिक ओशन में ओपनली एंट्री करनी होगी, और उसका रास्ता जापान, फिलीपींस, बोर्नियो, सुमात्रा जैसे देश रोकते हैं। इन्हें फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। लेकिन अब ताइवान को क्लोजली देखिए। अगर चाइना ने ताइवान में अपना मर्चेंट और मिलिट्री बेस बनाया तो चाइना आसानी से कभी भी पैसिफिक ओशन में एंट्री कर सकता है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पैसिफिक ओशन के थ्रू यूएस की ओर भेज सकता है। दिस विल बी अ ह्यूज होल इन द डिफेंस ऑफ अमेरिका, और यूएस ये रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लस दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में, सेमीकंडक्टर्स जो आज मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक यूज होते हैं वो बनाने में ताइवान सबसे आगे, चाइना से भी आगे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज उठा लीजिए, एप्पल, इंटेल, एनविडिया, ये सारी कंपनीज अपनी चिप्स की R&D ताइवान से करवाती। ताइवान डूबना यानी US की टेक इंडस्ट्री डूबने जैसा, और इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर कॉर्नर में होगा। तो अमेरिका के लिए ताइवान शायद यूक्रेन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइवान का GDP $786 बिलियन है, जो कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा। ये है 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल आइलैंड, और ये सारा ट्रेजर चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर। चैप्टर 5, अब आगे। आज नैन्सी पेलोसी ताइवान में, पिछले 25 सालों में ताइवान विजिट करने वाली ये सबसे बड़ी अमेरिकन लीडर। उन्होंने खुद विजिट करके ये अश्योर किया है कि अमेरिका ताइवान को डेमोक्रेसी बरकरार रखने में हर तरह से सपोर्ट देगा। पेलोसी पहले से ही चाइना की काफी हार्श क्रिटिक है। उन्होंने टियानमेन स्क्वायर के इंसिडेंट्स को भी क्रिटिसाइज किया था। We've been told for 2 days now that there's freedom of speech in China. टेंशन्स बढ़ रहे हैं, और चाइना ने इस विजिट के बाद टारगेटेड मिलिट्री एक्शंस प्रॉमिस भी किए। तो अब क्या होगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी? Only time can tell. लेकिन आज हमने जाना कि ताइवान की हिस्ट्री क्या है और अलग अलग पार्टीज के इंटरेस्ट क्या हैं। Of course, एक 5 मिनट का वीडियो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए काफी नहीं है, so we will make more videos about this topic. लेकिन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत पर इस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट होगा तो हमें कॉमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में कवर करने का हमारा अटेम्प्ट अच्छा लग रहा है तो हमें फीडबैक दीजिए। आज भारत कई इंपॉर्टेंट इवेंट के बीचों बीच खड़ा है। हमारे पड़ोसी देशों की इकोनॉमी फेल हो रही है। चाइना, रशिया और USA एक वॉर लाइक सिचुएशन में। ये समय भारत के लिए एक गोल्डन पीरियड भी हो सकता है, या फिर भारत को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली टेंपरेरी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ताइवान की हिस्ट्री एक आसान भाषा में समझाने का हमारा ये अटेम्प्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।